हेलो प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी यहां पे पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं पाकिस्तान तथा, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान तथा साम्यवादी चीन के साथ भारत के रिश्ते के बारे में, ठीक है ना, भारत का संबंध। क्योंकि जैसे देखा होगा दोनों बहुत ही ज़बरदस्त देश है और दोनों का हमेशा भारत के साथ तनाव रहा है। भारत एक शांतिवादी देश होते हुए वह हमेशा शांति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन एक और देखे साम्यवादी चीन जो साम्राज्यवाद की नीति को अपनाता है, दूसरी ओर धर्मतांत्रिक पाकिस्तान जो खुद भी साम्राज्यवादी नीति को अपनाता है, ठीक है ना। अब इन दोनों के मध्य भारत के संबंध है वो काफ़ी बार बदले हैं, काफ़ी बार अच्छे बने, कहते ना पटरी पे आ गए फिर वापस बिगड़ गए, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है। और पाकिस्तान के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर जस्ट अपने चीन के बारे में। तो पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि 1947 के बाद की पैदाइश और इसके दरमियान इनके काफ़ी सुझाव, मतलब काफ़ी ऐसे गलत फहमियों की वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य ये विवाद होते रहे हैं। तो पहला हम बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान के मध्य ये संबंधों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, क्या समस्या है जिन वजह से इन दोनों प्यारे देशों में बहुत ही ज़बरदस्त चुनौतियाँ रहती हैं। पहला है विभाजन के उत्पन्न होने वाली समस्याएं। पहले तो विभाजन जब हुआ, विभाजन के दौरान यानी ये जो पाकिस्तान देश बना, तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसी दरमियान कुछ चीज़ें हैं वो सामने आई और वह चीज़ें आज भी बनी हुई हैं। यानी कहते ना कोई पैदा होते ही समस्या उनके साथ पैदा हो जाती है, तो वैसी समस्या भारत पाकिस्तान के मध्य है और ये समस्या समाधान हो ही नहीं रही है। सबसे बड़ी समस्या जैसे बात करें कश्मीर को लेकर विवाद, तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा कश्मीर विवाद को लेकर, तो ये समस्या है वो रही। इसके बाद धर्म के नाम पर जब विवादन हुआ तो काफ़ी लोगों को भारत को पाकिस्तान को पाकिस्तान जाना पड़ा, पाकिस्तान वाले को भारत आना पड़ा, तो इस तरह से संपत्ति का हस्तांतरण वगैरह उसको दिक्कत हुई, भारत के ऊपर बड़ा कर्ज है वो लेने से इनकार कर दिया। तो यानी विभाजन के समय से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है वो आई और यही ऐसी वजह है जिससे भारत और पाकिस्तान के संबंध को आज भी जैसे जख्म को कुरेदने वाले हैं। जब संबंध सामान्य होते हैं तो वापस कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। दूसरा है भारत विरोधी नीति, जिहाद धर्म नीति। पाकिस्तान है ना भारत विरोधी नीति को बढ़ावा देता है, जिसमें हम कहते हैं जिहाद यानी धर्म युद्ध, तो वह जितने भी युद्ध करता है या आतंकवाद के मान लीजिए सपोर्ट भी करता है, तो इसमें उनका जो समर्थन है या वो हमेशा धर्म के नाम पर ही इस युद्ध को भड़काता है। वह अपने सहयोगियों से कहता है कि हम इस धर्म युद्ध को जीतना चाहेंगे, जैसे बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का युद्ध घोषित करके खानवा का युद्ध जो जीता था, आपने पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से, तो वैसे ही ये जो देव देशों के बीच जो साम्राज्य नीति को है वह धर्म युद्ध के नाम पर जब युद्ध दिया जाता है तब ये व्यवस्था और गर्मात हो जाती है, क्योंकि भारत धर्म निरपेक्ष है लेकिन पाकिस्तान धर्मतांत्रिक देश है। तीसरा है कि पाकिस्तान ने वो सीटो सेंटो का मेंबर है, वो ये ऐसे गुट है जो सैनिक गुट है, ये कहता है कि आप हमारे साथ जुड़िए हम आपको सैनिक सहायता देंगे, तो अगर हम अच्छे से शांति से अपना देश का विकास करना चाहते हैं तो ऐसे सैनिक वाले गुटों से, यानी कहते हैं ना ऐसे अगर हमें अच्छा रहना है तो फालतू लोगों से मतलब न रखें, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखी गई है। यहाँ पे इनका सैनिक गुटों से ऐसे गुटों से संबंध होना कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान में सामान्य संबंधों के बीच में रुकावट पैदा करता है। इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसे विवाद हैं जो बार बार होते रहे। भारत ने हमेशा शांति पहल का प्रयास किया है लेकिन पाकिस्तान के द्वारा समय समय पर विवाद होते रहे। सबसे पहले तो बात करें कि 1947 से 48 के मध्य जस्ट पाकिस्तान ने जो भारत के साथ युद्ध किया था वो विवाद रहा था, उसके बाद संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहे, लेकिन फिर भी दोनों के संबंध में व्यापार वगैरह है वो धीरे धीरे शुरू हुआ। जैसे हम बात करते हैं नवंबर 1974 को संबंधों को सामान्य करते हुए दोनों के मध्य व्यापार समझौता हुआ, इसके साथ काफ़ी अलग अलग समझौते हुए ताकि, लेकिन फिर क्या होता है जैसे ही संबंध पटरी पे आते हैं वैसे पाकिस्तान के द्वारा किसी न किसी आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा भारत की सीमा में घुसपैठ करवा दी जाती है और आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि ये संबंध बहुत बाद में तय हुए। उससे पहले आपको पता होगा 1965 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दरमियान काफ़ी चीज़ें हैं वो बिगड़ गई थी और इसी वजह से भारत को ताशकंद समझौता करना पड़ा था। किसका? ताशकंद समझौता, जो आपको पता होगा 1967 में हुआ था,
लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के मध्य। तो अब जब ये बार बार युद्ध हो रहा है तो संबंध बिगड़ते हैं, कहते हैं धागा, अब धागे में गांठ लग गई है, अब उस धागे की गांठ को निकालने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। इसके बाद में जब ये जैसे संबंध अच्छे बनाने चाहे तो कुछ समय संबंध अच्छे बने फिर वापस गड़बड़ियाँ हो गई। जैसे अब बात करते हैं एक और युद्ध हुआ होगा, जैसे आपको पता है 1971 का युद्ध जिस समय बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो इस समय भी पाकिस्तान ने अपने मतलब के लिए दोनों ओर युद्ध चेता दिया। यहाँ बांग्लादेश को हड़पना चाहा, मतलब जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था उसको हड़पना चाहा, इधर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। तो इस तरह से इसमें भी पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। और इस समय जो समझौता हुआ था वो शिमला समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। और ये शिमला समझौता जो हुआ था आपको ध्यान रखना 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी और उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फी अली कार बेनजीर भुट्टो उनके मध्य हुआ था। अब इसके बाद वापस संबंध सामान्य करने के लिए भारत की ओर से ही प्रयास किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली लाहौर दिल्ली बस सेवा का शुभारंभ किया गया कि भाई संबंध अच्छे बनाने के लिए हम ऐसा करें कि इनके बीच बस शुरू कर दें ताकि विवाद खत्म हो जाएगा, समस्या सही रहेगी। लेकिन इनके जस्ट बाद ही कारगिल का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हो गया? कारगिल का युद्ध। और इस तरह से वापस जो संबंध हैं वो रफ्तार पे आते आते वापस टूट गए, यानी समस्या समझौता संबंध वापस खराब हो गए, ठीक है, संबंध बिगड़ गए। इसी तरह फिर वापस संबंध को अच्छे बनाने के प्रयास किए गए, ठीक है ना, और फिर प्रयास करने के लिए इनके साथ काफ़ी समझौते किए गए, लेकिन बार बार पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेने से संबंध है बिगड़ते गए। और यही समस्या आज भी बनी हुई है। कश्मीर है वो इन दोनों के मध्य बहुत ही ज़्यादा विवाद का विषय रहा हुआ है, लेकिन भारत चाहता है कि हम दोनों पड़ोसी हैं और दोनों पड़ोसी जितना शांत होकर रहेंगे और जितना शांत होकर अगर हम समझौता करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी उन्नति होगी। तो इसी के तहत मोदी सरकार के द्वारा 26 मई 2014 को जब शपथ ले रहे थे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को न्योता दिया कि भाई अब आइए हम वापस अच्छे संबंध बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सैनिक हाईकमांड के अफसर ने संबंध अच्छे होने से रोक दिया, उन्होंने कहा नहीं आप वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इस तरह से हम कहें भारत पाकिस्तान के मध्य संबंध तनाव काफ़ी बना हुआ है और ये तनाव समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये तो हमारा संबंध था पाकिस्तान के साथ, और प्रयास ये करें कि संबंध अच्छे बने। तो भारत की ओर से पहल की जा रही है, पाकिस्तान की ओर से भी पहल होती है, लेकिन कुछ ना कुछ गलतफहमी की वजह से ये शिकार होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वैसे अभी काफ़ी आर्थिक स्थिति है वो ख़राब है और उसको ये समझना होगा कि अब हमें शांति सहयोग से काम लेंगे तो ही हमारे संबंध और हमारे देश की उन्नति हो सकती है। अब बात करते हैं भारत का चीन के साथ संबंध। तो भारत का चीन के साथ संबंध हम देख लेते हैं, अच्छे से आपको पता होगा। तो वैसे तो देखें तो अपने नेहरू जी के काल में एक सिस्टम था या एक ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि जो हिंदू और चीनी भाई भाई हुआ करते थे, यानी नेहरू जी पूरे पक्के मित्र थे। और इसी के तहत नेहरू जी और चाउ एन लाई के द्वारा 1954 में इनके मध्य संबंध को अच्छा बनाने के लिए पंचशील सिद्धांत भी हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील, जिसमें कहा कि हम एक दूसरे की मर्यादा अखंडता और शांति समझौता बनाए रखने की काफ़ी पांच चीज़ें उस पर डिस्कस हुआ था, यानी उस समय काफ़ी अच्छे संबंध थे। लेकिन संबंध बिगड़े और इसके बिगड़ने का जो काल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला तो ये, जैसे कि आपको पता होगा 1959 में दलाई लामा है वो भारत की ओर आने लगे। हाँ, जैसे एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि आप ये क्लास नोट कर रहे हैं, क्लास समझ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यू जो पूरी क्लास है और जो एडवांस क्लास है वो क्लास आपको मी एंड माय यूट्यूब पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासें हैं वो आपको मिल रही है, लेकिन रेगुलर क्लासें वहाँ पे भी मिल सकती हैं, तो उसे भी आप अटैच में रखिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल की बाकी एग्ज़ाम की सभी अपडेट हैं वो आपको वहाँ पे मिलती है। बाकी क्लासें वो और ये दोनों यहाँ पे चलेगी आपके लिए रेगुलर और सपोर्ट रहेगा। तो 1959 में दलाई लामा की बात करते हैं तो ये समस्या है तिब्बत की समस्या। किसकी समस्या है? तिब्बत समस्या, ठीक है। तो तिब्बत समस्या है, इसका मतलब है कि तिब्बत है वो चीन कहता है कि तिब्बत हमारा हिस्सा है, लेकिन तिब्बत कहता है कि हम अपना स्वतंत्र देश चाहते हैं, हम अलग रहना चाहते हैं।
तो तिब्बत को लेकर भारत चीन के मध्य विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु दलाई लामा 1959 में भारत में शरण ली। तो इससे चीन को ये लगा कि पाकिस्तान जो भारत है वह चीन के खिलाफ भड़का रहा है। जब दलाई लामा यहाँ पे आए, और भारत को तो आपको पता होगा भारत शरणार्थियों को शरण देता है, जैसे अमीर की अगर कहावत याद रखें, लेकिन भारत ने तो इसको सहारा दिया, लेकिन चीन ने सोचा कि ये भड़का रहा है, भारत है वह हमारे खिलाफ ऐसे लोगों को शरण दे के भड़का रहा है। और इसी तरह से इन समस्या की वजह से फिर 1962 में चीन ने क्या कर दिया, युद्ध, चीन भारत युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत है वो हार का सामना करना था, और चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके अलावा भारत चीन के मध्य और भी विवाद है, जैसे इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो अक्षय सिंह आप ध्यान रखिएगा, अक्षय सिंह का ये वो एरिया है जिसको पहले आज़ादी के समय जैसे मान लीजिए ये भारत है, ऊपर वाली टोपी भारत की होती है, ठीक है, तो ये जैसे हमें यहाँ पे भारत की टोपी है, तो ये वाला जो हिस्सा है वह पाकिस्तान ने कब्जे में किया था उस समय, और उस वाला आधा हिस्सा तो पाकिस्तान ने रखा, और आधा जो हिस्सा है आधा हिस्सा लगभग मान लीजिए ये वाला हिस्सा है वो चीन ने कब्जे में किया हुआ है, पूरा इसका था, लेकिन पाकिस्तान ने चीन को ये दे दिया, और इस तरह से ये वाला हिस्सा कहलाता है POK, पाक अधिकृत कमी, और ये कहलाता है अक्षाई चीन, इसको कब्जे में किया हुआ है। और इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है पाकिस्तान है, वो यहाँ से रोड बना रहा है, और ये रोड भारत के क्षेत्र से जा रही है, लेकिन भारत को इसका भागीदार नहीं बनाया गया, तो ये समस्या का विषय है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा देखें तो नेपानगर यानी हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश जो नेपाल की साइड में रहता है उधर, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र को चाइना कहता है ये हमारे अधिकृत में, और वो इसको हड़पना चाहता है, और बार बार वह भारत की सीमा में आ जाता है, तो ये ऐसे कुछ वजह है जिसके कारण इनके युद्ध होता है। और लास्ट एक वजह देखें तो भारत की एशिया में बढ़ती भूमिका, भारत की एशिया में जो बढ़ती भूमिका है उसको देखकर चाइना को जलिसियस हो रहा है कि भारत शक्तिशाली हो जाएगा और वह मुझे टक्कर दे देगा, इसलिए वह भारत को हर तरह से कंट्रोल में रखना चाहता है। और इस तरह से चाइना ने है वह भारत के पड़ोसी देशों को लालच देकर, पैसे देकर, कैसे येन केन तरीके से उनको अपने गिरफ्त में कर लिया, उनको लोन देके अपने गिरफ्त में कर दिया। और चाइना ने यहाँ पे अलग अलग जहाँ पे देखे सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए, यानी चाइना ने भारत को मोतियों की माला के तहत सैनिक अड्डे स्थापित करके कब्जे में रखना चाहा है। तो इस तरह से भारत और इनके मध्य ये तनाव होता रहता है, लेकिन इनके संबंधों को ठीक करने के सुधार तो काफ़ी किए गए, लेकिन संबंध हैं वो बिगड़ते ही रहते, क्योंकि चाइना है वो साम्राज्यवादी नीति को लेकर चलता रहता है। इस तरह से इनके मध्य ये विवाद होता रहता है, लेकिन इनके मध्य समझौते अच्छे हुए हैं, कभी कभी शांति व्यवस्था भी बहाल हुई है, तो उसको हम यहाँ पे बताते हैं कि कब कब इनके शांति बहाल हुई वो देख लेते हैं। December 12 कोलंबो प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा, जो 12 दिसंबर को हुआ था, ठीक है ना, 1962 को, इसके द्वारा दोनों के मध्य जो विवाद था उसको समाप्त करते हुए शांति समझौता करने की ये रणनीति अपनाएगी कोलंबो प्रस्ताव। और कोलंबो प्रस्ताव में ये रखा गया, ये व्यवस्था कर दी गई कि चाइना है और भारत के मध्य जो रेड क्लिप आ रही है उसका सम्मान करें, दोनों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करें, इसके अलावा दोनों के मध्य अच्छा संबंध रखने के लिए शांति रिश्तों को बहाल किया जाए, अच्छे संबंध बनाए जाएँ। लेकिन ये संबंध वापस तब बिगड़ गए जब पाकिस्तान और चाइना दोनों एक नज़दीक आ गए और संबंध वापस ख़राब होते गए, लेकिन फिर भी ध्यान रखें तो इन दोनों के मध्य अच्छे संबंध होते रहे हैं। और 1978 तक दोनों के मध्य व्यापार को शुरू किया गया और व्यापार को बढ़ावा दिया गया, ताकि व्यापार होगा तो संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो उस समय 1 करोड़ 20 लाख रुपए का दोनों के मध्य व्यापार शुरू हुआ, और इस तरह से व्यापार होकर ही दोनों के संबंध अच्छे बनेगी ये व्यवस्था रखी गई, और संबंध अच्छे बनाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन वापस 1980 में
क्या हुआ कि चीन ने भारत के 3600 वर्ग फीट क्षेत्र को वापस अधिकृत करना था, यानी सेना वापस घुसा दी, और इस तरह से वापस दोनों के मध्य तनाव खड़ा हुआ। और ये तनाव था समुद्रोंसु घाटी, जिसको लेकर और उस पर वो हेलीपैड भी बना रहा है, ये समस्या और बढ़ती गई। लेकिन दोनों के मध्य वापस शांति समझौता करने के लिए राजीव गांधी ने अपनी पहल की। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन यात्रा दिसंबर 1988 में की, और सीमा विवाद को हल करने के लिए दोनों ने संयुक्त मिलकर गठन किया और शांति व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया गया। फिर चीनी प्रधानमंत्री 11 दिसंबर 1991 को जो भारत आए, जिसका नाम था सी फंग, एक उच्च स्तरीय दल के साथ 6 दिवसीय यात्रा पर आए, और वे 31 वर्ष बाद भारत में आने वाले चीनी प्रधानमंत्री थे। इस यात्रा के दौरान दोनों के मध्य 3 समझौते हुए, संघई समझौता हो, बम्बई में दूतावास वाला हो, या और समझौता हो, तो ये संबंध अच्छे बनाने का प्रयास था। फिर इसी तरह राष्ट्रपति वेंकट रमन है, वो वापस गए, यानी होता है ना संबंध अच्छे बनाने के लिए कि फलाना साहब हमारे यहाँ आए और हम भी उधर जाए तो संबंध अच्छे बनेंगे। तो इसी तरह भारत के राष्ट्रपति वेंकट रमन की चीनी यात्रा हुई 17 मई 1992 को, और संबंध अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसी तरह चीन है, उसका संबंध है वो भारत को अपने और अदा लेना है, इसलिए संबंध है वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन अंततः अगर हम बात करें तो चीन भारत हैं, वह दोनों ही समान प्रतियोगी देश है। अगर दोनों शांतिपूर्ण रहते हैं, दोनों में समझौता रहता है, तो दोनों बहुत अच्छे संबंध हासिल कर सकते हैं। अब जब बात करते हैं तो लास्ट में निष्कर्ष में हम यही पहुंच सकते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि वर्तमान जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 14 से 16 मई 2015 को चीन का दौरा किया था, जहाँ के राष्ट्रपति जिनपिंग ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मोदी जी से मुलाकात की थी, और संबंध अच्छा बनाने के लिए दोनों के मध्य व्यापार को लेकर काफ़ी अच्छे समझौते हुए। और इस तरह से बात करें तो 24 समझौते हुए थे 2014 में, 24 समझौते हुए, और ये जो 24 समझौते हैं वो दोनों के अच्छा व्यापार, अच्छा संबंध बनाने के लिए लगभग 22 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। और इस तरह से वर्तमान की परिस्थिति की बात करें तो संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन चीन भारत को एक प्रभावशाली भूमिका में नहीं देखना चाहता, इसलिए कभी कभार इनमें तनाव है रहता है। लेकिन अब इस तरह से आप ये जो इम्पोर्टेंट बात बताई है उसको ध्यान रखिएगा, और ये भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर चीन और पाकिस्तान की नीति भारत के साथ कैसी है और भारत के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, ये हमने आज देखा है। तो कुछ कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, अदरवाइज आपसे दोबारा रूबरू होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें, मिलेंगे दोबारा, थैंक यू।